सलमान खान के घर पर जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ था उसके बाद आज सलमान खान स्पॉटेड हुए थे उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर। वो उनकी कार टोयोटा लैंड क्रूजर में स्पॉटेड हुए थे, साथ ही में उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ गई। दो पुलिस कार भी उनके कॉन्वॉय में साथ में चलेगी और एक कार उनके घर के बाहर खड़ी रहेगी। वहीं सलमान खान की गर्लफ्रेंड यूलिया वेंतोर भी पहुंची थी उनसे मिलने के लिए, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट से एग्जिट लेते हुए स्पॉटेड हुई थी। वहीं सलमान खान के केस में बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया। इंसिडेंट होने के बाद पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज निकाली थी उससे कल्प्रिट की थोड़ी बहुत पहचान हुई है, और उस वीडियो में ये नजर आ रहा है कि कल्प्रिट बाइक पर आए थे, साथ ही में उन्होंने 4 राउंड फायर किए थे सलमान खान के घर के बाहर। लेकिन उस समय सलमान खान के घर के बाहर पुलिस की कार नहीं खड़ी थी, जो हमेशा खड़ी रहती है सलमान खान के घर के बाहर। इंसिडेंट हुआ था संडे मॉर्निंग 5 AM और ये सारा का सारा प्लान बनाया गया था यूएसए में बैठ करके। इस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए लॉरेंस बिश्नोई के ब्रदर अनमोल बिश्नोई ने, जो यूएसए में बेस्ड है। वहीं उन्होंने प्लान बनाया एक और गैंगस्टर रोहित गोडारा के साथ मिलकर के। रोहित गोडारा भी आज की तारीख में यूएस में ही बेस्ड है, और इन्होंने जब फेसबुक पर पोस्ट डालकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस इंसिडेंट की, तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और जब आईपी को ट्रेस किया गया तो वो आईपी निकली कनाडा की। तो पुलिस का कुछ ऐसा कहना है कि ये लोग रहे तो यूएसए में रहे लेकिन इन्होंने वीपीएन का यूज किया होगा पोस्ट डालने के लिए और हमारा ध्यान भटकाने के लिए उसको कनाडा की तरफ डाइवर्ट किया है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि रोहित गोडारा के एक्सटेंसिव नेटवर्क है इंडिया में, जिस नेटवर्क में उनके बहुत से प्रोफेशनल शूटर इंक्लूडेड है और वो अलग अलग स्टेट में फैले हुए हैं इंडिया में। वहीं बिश्नोई गैंग के पास रेडी सप्लाई रहती है वेपन्स की, वो भी स्ट्रेटेजिकली अलग अलग स्टेट में इंडिया के अंदर स्टोर करके रखते हैं, और जब उनको किसी का मर्डर करना होता है तब ये सारे के सारे वेपन वो सप्लाई करते हैं रोहित गोडारा के शूटर्स को और उसके बाद काम को अंजाम देते हैं। तो ऐसा सब पुलिस ने बताया है, और 5 स्टेट की पुलिस मिलकर के इस केस को सुलझा रही है, जिसमें शामिल है महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की पुलिस। देखना ये होगा कि कल्प्रिट कब पकड़ में आते हैं। लेकिन कल्प्रिट की पहचान हुई है, एक का नाम है विशाल और एक है अनादर कल्प्रिट, और इनके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन की गई, बाइक का पता लगाया गया, तब पता लगाया गया कि इन्होंने बाइक खरीदी थी सेकंड हैंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और ये पनवेल से सलमान खान के घर तक बाइक पर ही आए थे, और पुलिस उनसे भी क्वेश्चन कर रही है जिन्होंने इनको बाइक बेची थी। तो अब देखना ये होगा कि कब तक पकड़ में आते इस केस में और क्या अपडेट आता है। और इस टाइप की सेलिब्रिटी रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़।